हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अपनी जो सीरीज चल रही है आरएमएल के मॉडल क्वेश्चन पेपर की, इसका पार्ट 5 लेके आए हैं। यदि वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपके सुझाव भी हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है नांदेड, ऑप्शन सी है परभानी, ऑप्शन डी है नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में यह है संस्थान स्थित है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बीजापुर इज नेम फॉर इट्स, बीजापुर इसके लिए जाना जाता है। तो फर्स्ट है सब ड्रो कंडीशन, गोल गुंबद, बी ऑप्शन हैवी रेनफॉल, सी ऑप्शन स्टेचू ऑफ कोमत सुवारा, डी ऑप्शन। तो बीजापुर के गोल गुंबद फेमस हैं, तो बीजापुर अपने गोल गुंबद के लिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोएम इज द टिश्यू फाउंड इन। फ्लोएम एक ऊतक है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी है प्लांट, ऑप्शन सी है इंसेक्ट, ऑप्शन डी है मैमल्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लांट्स। फ्लोएम प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ ए होम वीडियो रिकॉर्डर इन वीएचएस, वीएचएस स्टैंड फॉर। होम वीडियो रिकॉर्डर के लिए सबसे आम प्रारूप है वीएचएस, वीएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वीडियो होम सिस्टम, ऑप्शन बी है वेरी हाई स्पीड, ऑप्शन सी है वीडियो हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है वोल्टेज हाउस स्टैंडर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीडियो होम सिस्टम। वीएचएस की फुल फॉर्म है वीडियो होम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज सेलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, समुद्री जल की औसत लवणता होती है। तो ऑप्शन ए है 3.0%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 2.5%, ऑप्शन डी है 2.0%। तो समुद्री जल है उसमें पर 1000 ग्राम में 35 ग्राम साल्ट होता है, तो इस हिसाब से इसका एवरेज 3.5% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3.5%। नेक्स्ट आते हैं आप। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन ए है गोल्ड, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है डायमंड, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो डायमंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी डायमंड पृथ्वी पर उपलब्ध अभी तक का सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट अब आते हैं। विच ऑफ द गैस इज नाउन एज ग्रीन हाउस गैस, नॉट नाउन एज ग्रीन हाउस गैस, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है मिथाइन, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्टिव नहीं माना जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 13,900 डिवाइडेड इन 2
टू डिफरेंट स्कीम ए एंड बी एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपीज 14% पर एनम एंड 11% पर एनम रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स बी रुपीज 350 एट रुपीज, वॉट वॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी? मिस्टर थॉमस ने 13,900 रुपये की राशि का निवेश दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 14% और 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर विभाजित किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3508 रुपये है तो वह राशि क्या थी जो योजना बी में निवेश किया गया था? तो जैसे अब इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय 100। तो अब इसको निकालेंगे तो अपन जैसे मूलधन अभी इसका एक्स ही मानेंगे, फिर टाइम है वो 2 साल है और रेट है 14% 100। फिर दूसरी है इसमें मूलधन हो गया जैसे 13900 माइनस एक्स फिर इंटू 11, ये दूसरी जो है अपॉन 2 अपॉन 100 हो गया। तो अब इनका अमाउंट कितना है 3508 3508। तो ये टोटल अभी हो गया अपना 14 28, तो ये 28x फिर ये इधर 22x और इनको ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका और इसका तो ये आएगा 28x माइनस 3508 00 माइनस 26x प्लस 3058 00। तो 28x बराबर 28 माइनस 22 बराबर 6, तो 6x इक्वल्स टू 3508 00 ये हो गया। इसमें से ये लेस करेंगे 3058 00 तो आएगा 45,000। तो ये एक्स बराबर आएगा 45,000 अपॉन 6 तो 7500। तो ये जो ए था इसकी राशि अपने आ गई है 7500। अब 7500 13900 में से लेस करेंगे तो बी अमाउंट आएगा 6400 तो आंसर आएगा ए। पहली राशि थी 7500 और दूसरी राशि थी 6400, ये ए आ गया ये बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर। हवा की निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति में पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ईच सीरीज लुक ऑफ द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज बिटवीन द नंबर्स। इन अदर वर्ड्स डू द नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज एंड बाय होम वॉच। प्रत्येक श्रृंखला में संख्याओं के बीच परिवर्तन की डिग्री और दिशा को देखें। दूसरे शब्दों में संख्या घटती है या बढ़ती है और कितनी बढ़ती है ये ज्ञात करें। तो सीरीज है 7 10 8 11 9
बार और इससे आगे की अपने याद करनी है। तो ये हो गया, जैसे ये 10 आया, ये 8, 11, 9, 12, ये कैसे कैसे आ रहे हैं इसको देखते हैं। 7 प्लस 3 बराबर 10, 10 माइनस 2 बराबर 8, 8 प्लस 3 बराबर 11, 11 माइनस 2 बराबर 9, 9 प्लस 3 बराबर 12, 12 माइनस 2 बराबर 10। तो आंसर आएगा 10। तो 20 द करेक्ट आंसर। इसमें एक बार +3 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, ये नियम लग रहा है। तो नेक्स्ट आएंगे आप, विच वर्ड डजंट बिलोंग विद द अदर्स, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। पार्सली, बासिल्स, दिल, माउनिस। तो पार्सल क्या होता है, पार्सल एक औषधि होती है जो ब्लड शुगर इंक्रीज करती है, हार्ट का स्ट्रोक बचाती है और हड्डियां मजबूत करती है। बासिल्स है जो उससे विटामिन्स की पूर्ति होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। दिल ये भी एक औषधि है, इससे हार्ट डिजीज डिजीज और हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम होता है। मोइनिस आप सभी जानते हैं, ये तो एक कचरा ही माना जाएगा, मोइनिस कुछ काम की नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, मोइनिश। यार्ड इज 2 इंच एज क्वार्ट इज 2, इंच में गज उतना ही है जितना क्वार्ट में। ऑप्शन ए है गैलन, ऑप्शन बी है ऑन्स, ऑप्शन सी है मिल्क, ऑप्शन डी है लिक्विड। तो पहले जानते हैं कि ये यार्ड और इंच का क्या रिलेशन है। तो एक यार्ड में 36 इंचेस होते हैं। अब क्वार्ट भी एक नापने का ही इकाई है। 1 क्वार्ट्स, इसमें 32 औंस होते हैं। और केलन माने 1 क्वार्ट्स में, गैलन इससे भी बड़ी इकाई है। तो मिल्क तो कुछ है ही नहीं, लिक्विड। तो ये एक सिमिलर सा है कि 36, 32 एंड अप्रोक्स यही आता है। तो इसका आंसर आएगा बी, औंस। अब ये एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, इसको सोल्व करना है। जैसे ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एन जे ए एम एल एन ए। तो ई और जी दोस्तों, फिर एल और एन एल सेम आ रहा है, एफ जी एच दोस्तों, ए सभी हो गया। तो कब जी एच आई प्लस दो आई जे के प्लस दो, तो पहला आएगा के एल और ए, ये बचाइए निकालना। तो ये कट गया ऑप्शन, हाँ सॉरी, ये दो कट गए, ए और डी, ए और सी ऑप्शन। तो इसका तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब बचा है ये एफ जी एच एच आई जे जे के एल, तो यहाँ एल आएगा, तो के एल एल ए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, वह सब चुने जो बाकी से अलग है।
तो कीवी एक पक्षी होता है, ईगल भी पक्षी होता है, ईमू भी पक्षी होता है, ऑस्ट्रिच भी पक्षी होता है, लेकिन जैसे कीवी बर्ड उड़ता नहीं है, ईमू भी छोटे मुर्गे जितनी उड़ान भरता है, ऑस्ट्रिच भारी पक्षी होता है, और ईगल ये सबसे हाई ऊंचाई पे उड़ता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें ईगल ही सबसे अलग है, वरना ये सब उड़ नहीं पाते हैं ज्यादा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 16 पे। ए सम ऑफ रुपीज 1,2,500, अमाउंट ऑफ रुपीज 1,5,500 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12,500 की राशि की साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो वही मूलधन इंटू दर इंटू समय 100। तो मूलधन हो गया 12,500 इंटू 4 इंटू एक्स 100, 500 ब्याज की दर पूछी अपने को, रेट तो रेट होगा ये 5% सिंपली। दोस्तों इसमें इसने इंटरेस्ट की रेट पूछी है, तो अपन इंटरेस्ट के रेट के लिए दूसरा फॉर्मूला अपने पास कि इसमें पहले अपन जो वेरिएंस है ब्याज की राशि वो निकालेंगे। तो ब्याज की राशि होगी 15,500 माइनस 12,500 वो 3,000। अब 3,000 में जैसे एक्स परसेंटेज निकालनी है अपने को, तो 100 × 3,000 12,500 × 4, 2 × 2 = 2,000 कट गया, 25 आएगा, 5 आएगा, अब ये आएगा 6%। तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 6%। अभी देखते हैं कैसे किया अपन ने, एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। 15,500 ब्याज लगने के बाद है 4 साल का, जिसने बोला 4 वर्ष में 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की राशि है वो आएगी इसमें से ई माइनस करेंगे तो 3,000। अब एक्स अपने को इंटरेस्ट रेट निकालनी है, तो 100 × 3,000 मूलधन इंटू समय। अब इसको इसमें से काटेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, यहाँ ये 25 आ जाएगा, यहाँ इसको 25 से 125 तो 5 आएगा, फिर ये बचा 30/5 जो अपने पास फ्री बचा है, तो ये आएगा 6% इसका आंसर। तो ऑप्शन सी डी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स? 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के आयोजन समिति का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है कैंडी हुक, ऑप्शन बी है रिवेल फेडरर, ऑप्शन सी एंजेला मार्केल, ऑप्शन डी है क्रिस्टीना लियो। तो करेक्ट आंसर है कैंडी हुक। कैंडी हुक को 2032 के लिए ओलंपिक पैरालंपिक खेलों की समिति का सीईओ नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन 18 पे आते हैं अब। ए मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1,400 एंड सेल इट्स ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? एक आदमी ₹1,400 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है?
जैसे सेलिंग प्राइस है साइकिल का वो है, यदि 85% पे बेचता है तो 1400 रुपये। तो अब देखिए 85 100 इंटू 1400, अभी इसको इंटू तो ये आएगा 84 1400, ये आंसर 1190, 1190 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है आएगी 1190। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी एक चार का किराए पर लेते हैं, ए 10 बैलों को 7 महीने, बी 12 बैलों को 5 महीने, सी 15 बैलों को 3 महीने चराता है। यदि चारागाह की किराया 175 है तो सी अपने हिस्से कितना किराया देगा। जैसे ए का है 10 × 7, बी है सी है 12 × 5 और सी है 15 × 3। इसका टाइम है, ये इसके बेलों की संख्या है। तो ए बराबर 70, बी बराबर 60, सी बराबर 45। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे तो आएगा, रेशियो होगा इनका, ए का होगा 70, बी 55, सी 45। तो यह आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 12 19। तो अब सी का हिस्सा निकालना है अपने को, तो इनका टोटल आएगा 15 35 टोटल। तो सी हो गया 35, आएगा 9 175। पांच से कटेगा 7 3 35, 9 5 45। तो सी का हिस्सा एक आएगा 45 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। विच डिस्ट्रिक्ट एज नाउन एज लेदर पार्क, लेदर पार्क किस जिले को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी नोएडा। तो करेक्ट आंसर इज आगरा, लेदर पार्क आगरा को बोला जाता है। आगरा में सबसे ज्यादा लेदर का काम होता है कानपुर के बाद। तो दोस्तों ये था आज के लिए हमारा एक शॉर्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।